नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें क्या बोला है कि हमें क्यूबॉइड की हाइट पता करनी है जिसका बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो वॉल्यूम हमारे पास है तो हम वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिख देते हैं, 900 इज इक्वल टू, अब एरिया क्या है, सॉरी एरिया ऑफ द बेस कितना है, बेस का एरिया कितना है 180, देन मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास नहीं है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 180, ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे और 18 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 5 टाइम में, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो आपके पास एक क्यूबॉइड है जो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर का है, अगर हम उसमें 6 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब उसमें प्लेस करें तो इस तरीके के कितने क्यूब उसमें आ पाएंगे। तो होल्डिंग कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम ज्ञात करना पड़ता है। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूबॉइड की वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितनी है 60, ब्रेड 54 एंड हाइट 30। तो हम लिखेंगे लेंथ के जगह में 60 देन मल्टीप्लाई 54 देन मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर क्यूब, देन इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 97200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है जो स्मॉल क्यूब है, तो स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड क्यूब। तो साइड क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 क्यूब, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है कि कितने स्मॉल क्यूब उसमें फिट होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का उसको डिवाइड कर देंगे जो वॉल्यूम है 1 क्यूब का। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या निकला था, 97200 एंड 1 क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 216। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 450। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में सेंड करना है, और जो मैंने आपको कराए हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। हैव अ नाइस डे।